हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नैपचैट डार्क मोड के बारे में। इंडिया में स्नैपचैट डार्क मोड जो है अब एंड्रॉइड वालों के लिए भी फीचर हो चुका है, तो कैसे आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी जो स्नैपचैट का डार्क मोड फीचर है वो अभी भी शो नहीं हो रहा है, तो कैसे आप उसे फीचर कर सकते हैं अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन में, और अगर आपको वो देखने को नहीं मिल रहा है तो कौन सा अभी आप जो है अल्टरनेट तरीका है उसे आप यूज कर सकते हैं ताकि आप जो डार्क मोड को यूज कर पाए, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्नैपचैट में जो डार्क मोड है उसे आप इनेबल कैसे कर सकते हैं। जो ऑफिशियल अब जो डार्क मोड है, आपको करना क्या है, अपना जो स्नैपचैट एप्लीकेशन है उसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको टॉप पर जो आपको प्रोफाइल का जो सेक्शन मिल रहा है यानी प्रोफाइल का जो आइकॉन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको सेटिंग का जो ऑप्शन मिल रहा है राइट कॉर्नर पे टॉप पे, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको स्क्रोल डाउन करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप अपीयरेंस, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो होंगे, पहला है ऑलवेज लाइट और दूसरा है ऑलवेज डार्क, तो आपको ऑलवेज डार्क पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो डार्क मोड है वो इनेबल हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो ऐप अपीयरेंस जो ऑप्शन है वही शो नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से उनका जो डार्क मोड है उसे आप इनेबल नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, इस फीचर को ऐड करने के लिए या तो आप अपना जो स्नैपचैट एप्लीकेशन है उसे आपको सबसे पहले अपडेट करना है, या फिर आप एप्लीकेशन को एक बार जो है अनइंस्टॉल करके दोबारा से रीइंस्टॉल कर लीजिए, अपना जो स्नैपचैट है उसे आपको लॉग इन कर लेना है। तो आपको यहीं पर जो ऐप अपीयरेंस जो ऑप्शन है अगर वो शो नहीं हो रहा है तो आपको जो डार्क मोड है वो देखने को नहीं मिलेगा, और अगर आपको ऐप अपीयरेंस जो ऑप्शन है अगर वो शो हो रहा है तो आपको डार्क मोड देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो अपना जो एप्लीकेशन है वो अपडेट कर लेना है या फिर रीइंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे और वहां पर आपको जो स्नैपचैट है उसे आपको सर्च करना है और इसका जो बीटा प्रोग्राम है उसे आपको ज्वाइन कर लेना है। जैसे आप बीटा प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर लेते हैं तो इससे होता क्या है कि जब भी कोई एप्लीकेशन अपना जो फीचर है उसे जब भी लॉन्च करता है, जब उसे अपने एप्लीकेशन में फीचर करता है, सबसे पहले जिन्होंने बीटा प्रोग्राम को ज्वाइन किया रहता है उन्हीं लोगों को सबसे पहले जो फीचर है उसे वो प्रोवाइड करता है टेस्टिंग के लिए। तो आपको सबसे पहले स्नैपचैट का जो बीटा प्रोग्राम है उसे आपको ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको जो ऐप अपीयरेंस है वो ऑप्शन ही देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको करना क्या है, जब तक आपको स्नैपचैट का जो ऑफिशियल डार्क मोड है वो आपको शो नहीं हो रहा है तो आपके मोबाइल फोन का जो डार्क मोड है उसे आपको इनेबल करना है, और उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, डिस्प्ले पे जाना है और डार्क मोड को आप इनेबल कर सकते हैं, उसी से आप भी जो इससे काम चला सकते हैं। लेकिन आपका जो ऑफिशियल आपका डार्क मोड जो है स्नैपचैट में वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, आपको सिर्फ अपनी जो एप्लीकेशन है उसे आपको अपडेट करते रहना है और आपको जो स्नैपचैट का डार्क मोड जो फीचर है वो बहुत जल्दी आपके स्नैपचैट में फीचर हो जाएगा। पहले ये सिर्फ आईफोन यूजर के लिए जो है इंडिया में अवेलेबल था, लेकिन अब जो डार्क मोड है वो एंड्रॉइड वालों के लिए भी अब जो फीचर कर दिया गया है। तो अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो आपको सिर्फ यही दो तीन स्टेप करने हैं, आपका जो डार्क मोड है वो आपको बहुत जल्द प्रोवाइड हो जाएगा। वैसे तो आपको देखने को मिल गया होगा लेकिन बहुत सारे लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से स्नैपचैट में जो डार्क मोड है उसे आप इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको वो शो नहीं हो रहा है तो कौन से आप स्टेप ले सकते हैं ताकि आपका जो डार्क मोड है वो आपके स्नैपचैट में फीचर हो जाए, तो आप इन तरीकों को यूज करके आप जो है उसे फीचर करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।